हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला हेडिंग पढ़ते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ होता है, मतलब कोई चार्ज्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गति करता है तो उसका पथ कैसा होगा। तो उसका पथ बच्चों, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पैदा करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे। तो एक प्लेट ले लेते हैं, उस पर जो है एक प्लेट है एक्स लंबाई का, उस पर प्लस क्यू आवेश प्लस चार्ज लगा देते हैं और उससे एक दूसरा प्लेट नीचे ले देते हैं उसके पैरेलल में, उस पर उसी के बराबर माइनस चार्ज लगा देते हैं। तो प्लस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। इतना तो हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पैदा कर दिया। अब क्या करना है, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रवेश कराना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बच्चों आपको जानकारी होगी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक चार्ज है, तो ये यहाँ पे अगर प्रवेश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप लोग जानते हैं कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेश, अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं तो यहाँ पे हम दिखाए हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ऋण होता है, तो ये प्लेट धन है तो धन ऋण को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये फोर्स जो कार्य करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। एक तो ये जानकारी मिली हमको, और जब फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, यहीं से फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, यहीं से फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, तो ये जाहिर है कि उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस डिफ्लेक्शन को हम वाई मान ले रहे हैं। तो ध्यान दें, अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता यहां से कहीं प्रवेश कराते तो वो इस टाइप से आता, अगर कोई न्यूट्रल चार्ज यू वेलोसिटी से वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का जो प्रवेश कर रहा है, अगर इसी वी नॉट वेलोसिटी से हम लोग कोई न्यूट्रल चार्ज बच्चों प्रवेश कराते तो वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, न्यूट्रल चार्ज अगर होता तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस दिशा में मुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है नीचे की ओर कार्य करने लगेगा, और निगेटिव चार्ज है तो ऊपर की ओर जाएगा। अब इस टाइप के पथ को बच्चों हमारे फिजिक्स में कहा जाता है पैराबोला कहा जाता है। इस टाइप के पथ को क्या कहा जाता है, पैराबोला। तो ट्रेजेक्ट्री पाथ जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो पैराबोला होगा यहाँ पे, और पैराबोला की शर्त ये है, कुछ और इसके बारे में जानकारी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है क्षैतिज वेग कभी बदलता नहीं, प्रक्षेप गति की दशा में प्रोजेक्टाइल मोशन के कंडीशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं है। अगर यहां वेलोसिटी कोई वी दर्शा रहा है तो यहां वर्टिकल वाला क्या होगा, जीरो होता है, तो वी यू कॉस थीटा के क्या होगा बराबर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी कभी बदलता नहीं, इस कांसेप्ट की हमें जरूरत है। तो आप ध्यान दीजिए, पास तो पैराबोला है लेकिन इसका हमें क्या करना होगा, डेरिवेशन करना होगा, तो बोर्ड लेवल पर भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, इस पर ध्यान दिया जाए। इतना ये के, तो ये तो यहां से यहां गया, तो ये वाई एक्सिस में डिफ्लेक्शन जो दिखाया, वाई एक्सिस में डिफ्लेक्शन या विक्षेप वाई है और ये लंबाई एक्स, हाँ थीटा में डिफ्लेक्शन कहेगा, तो यहां वी नॉट वेग से प्रवेश किया है और यहां वेग दूसरा हो जाएगा, मान लेते हैं वी वेग से आगे बढ़ा होगा यहां, तो इसका ये थीटा कोण मान लेते हैं बनाया होगा क्योंकि यहां सीधे चल रहा था, जीरो कोण पे चला था तो इसे मुड़ गया, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर हम इसे डिवाइड करने लगते हैं बच्चों तो इस टाइप से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एक्स, और इस वेक्टर को अगर यहां जोड़ दें तो ये हो जाएगा और ये परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा वी, ये कितना है थीटा, तो ये हो जाएगा वी एक्स, ये हो गया क्या वी वाई।
तो इस टाइप से भी फिगर बनेगा, उसकी जरूरत लगेगी तो मैं लिख दिया। अब बच्चों फिगर का वर्णन किया हमने, आपको समझाया, तो हमें टैन थीटा वाला कोण का डिफ्लेक्शन बताना है और वाई वाला विक्षेप भी डिफ्लेक्शन भी बताना है। तो बाद देखते हैं, अब इधर लौटिए आप। तो ये बच्चों दिस इज ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, ये जो हमारा सिस्टम है पूरा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पृथ्वी के गुरुत्व का ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब इतनी जानकारी के बाद अब यहाँ पे कौन फोर्स कर रहा है, एफ वाई। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, तो क्यू ई, तो क्यू ई के स्थान पे यहां क्या लिखेंगे, चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ई ई लिखा जाएगा। और एफ वाई बराबर होता है क्या, एम ए वाई लिख सकते हैं, एम अगर फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा ई ई। तो ए वाई बराबर हो गया बच्चों ई ई अपान एम, इसे जानना चाहिए वाई एक्सिस डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर ये इतना है तो एक्स ए एक्स कितना होगा, ए एक्स जीरो होगा। अभी मैं आपको बताया हूं कि इस टाइप का जो पथ होता है बच्चों वो प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है, और पैराबोला की कंडीशन में जो है वो कभी भी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं, क्षैतिज वेग जो है कभी बदलता, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल कंडीशन में कभी बदलता नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी ने बदल रहा है तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल में जीरो आएगा। तो इतना जानकारी है। अब इसका बच्चों डेरिवेशन करने के लिए हम इनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो डायरेक्शन में चेंज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और यहां लिख देते हैं इन वाई एक्सिस डायरेक्शन। इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में बच्चों देखें इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट है, और इन एक्स वाले में, और ए एक्स कितना है, जीरो है, ए एक्स कितना है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में यही वी नॉट ही है, और एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन कितना है, जीरो है, इतना होगी। और यस एक्स बच्चों कितना है, यस एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना क्षैतिज दूरी तय किया यहां से यहां तक, तो ये पूरा ए वाई ही माने, इतने माने जो भी हो वाई एक्स डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल में जो दूरी तय किया इलेक्ट्रिक फील्ड में वो दूरी क्या माना गया, यस माना गया है। तो ये ध्यान दें हॉरिजॉन्टल में यस एक्स, और यस एक्स बराबर जब हम फार्मूला लिखेंगे यू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला हमारा एक्स एक्सिस के लिए, टोटल बात हम लिख रहे हैं। तो ये एक्स में एक्स एक्सिस में डिस्टेंस एक्स है, यू एक्स कितना है, वी नॉट इंटू टी, एक्सीलरेशन एक्स जीरो होने की वजह से टोटल जीरो है। तो यहां से टी इक्वल टू आया बच्चों एक्स इक्वल टू वी नॉट आया, और वी एक्स अगर मैं ज्ञात करना चाहूं वी एक्स कितना होगा, तो वी एक्स इक्वल टू वी बराबर यू प्लस ए टी, ये होता है। तो वी एक्स कितना है, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितना है, यू है, और एक्सीलरेशन जीरो होने की वजह से इतना आया, मतलब अंतिम वेग जो है क्षैतिज कंपोनेंट का लास्ट वेग भी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का यही थ्योरी है। तो बच्चों एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हम इतनी जानकारी आपके लिए दिए, वो अब फिर इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, कुछ ज्यादा लिखना है तो थोड़ा ऊपर वाला जगह ही कवर कर लें यहां इसके बाद, या सीध में ही लिखें इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, फिर यही चीज। अब यहां हर चीज
Ux, तो यहां लिखे क्या Uy कितना है? Uy बच्चों फिगर से कितना है, यहां पे x एक्सिस अगर कोई कण क्षैतिज दिशा में आप फेंकते हैं कोई कण या प्रोजेक्टाइल में, जब उच्चतम बिंदु पे ये क्षैतिज हो जाता है वेलोसिटी, तो उस दशा में उस बिंदु पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? अरे भाई ऐसे जब आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ उच्चतम बिंदु पर जब क्षैतिज भी एक ही कंडीशन में आता है, तो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? जीरो। या कोई चीज आप हॉरिजॉन्टल में अगर आप फेंकते हैं, तो उस कण का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? जीरो होता है। अगर कंपोनेंट लेंगे विकास 90 आएगा तब भी वो जीरो होगा। बहरहाल आप ध्यान दें, तो यहां टोटल वेग जो भी है वो हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में कोई वेग नहीं, इसलिए Uy बराबर जीरो लिखे। तो Uy आप लिखे। अब Ay देखिए, Ay आप निकाल चुके होंगे। हाँ यस, Ay इक्वल टू आपका आया है EE अपान M। Ay हो गया। अब Sy देखिए, Sy इक्वल टू कितना है Y, मतलब y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो y मानकर हम चल रहे हैं y है। तो यस y का अगर y एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो यस y इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो ये लिख दिया। ये चीज और यस y इक्वल टू y है, और यहां t इक्वल टू एक चीज और x अपॉन v नॉट। एक चीज ये ध्यान देना है, वो जो समय लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के लिए सेम होगा। ये टाइम अलग अलग नहीं होगा, टाइम अलग अलग नहीं होगा, टाइम एक ही जगह आप निकाल लेते हैं तो दोनों जगह प्रयोग होगा, क्योंकि एक बिंदु से जब कोई प्रोजेक्टाइल इस टाइप से गेंद जाएगा यहां पहुंचा, तो चाहे आप x एक्सिस वाली कोई चीज निकालते हो या वाई एक्सिस के लिए निकालते हो, उनका टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा। बच्चों ध्यान दें, अब यहां हर चीज मैं वाई कर देता हूं क्योंकि मैं वाई डायरेक्शन के लिए सब कुछ निकाल रहा हूं। तो यस वाई इक्वल टू वाई हो जाएगा। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो है, प्लस हाफ ए वाई का मान मैं जानता हूं ई ई अपान यम टी स्क्वायर, टी का मान होता है इतना एक्स स्क्वायर अपान वी नॉट स्क्वायर। तो बच्चों y डिफ्लेक्शन, y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन DEF LECTION डिफ्लेक्शन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 EE अपान m इंटू x स्क्वायर अपान v नॉट स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया बच्चों, ये क्वेश्चन आया तो इतना आप उतार लीजिए पहले। तो विद्यार्थी y एक्सिस में जो डिफ्लेक्शन हमारा आया वो इतना आया, तो अगर y एक्सिस डिफ्लेक्शन आ गया, अब यहां देखिए हमने vx निकाला है तो वैसे हमें vy निकालना है, हमें थीटा वाला डिफ्लेक्शन, थीटा का कितना डिफ्लेक्शन हुआ लास्ट में ये ज्ञात करना, तो vx मैं निकाल चुका हूं। तो ठीक इसी प्रकार से हमें y एक्सिस डायरेक्शन के सीध में, जैसे जो लोग इस टाइप से लगा रहे हैं वो सीध में लिखेंगे, तो v y इक्वल टू u प्लस at, u प्लस at होता है तो यहां uy ay लिख देंगे। चलिए y एक्सिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या होगा वर्टिकल में y एक्सिस, अरे भाई ये x एक्सिस हुआ ये y एक्सिस, इधर वेलोसिटी क्या जीरो है और ए वाई का मान इतना बड़ा है, तो ये हो जाएगा ई ई अपान यम इंटू टी के स्थान पे बच्चों यही लिख सकते हैं एक्स अपान वी नॉट, ये वी वाई हुई है। तो थीटा वाला डिफ्लेक्शन बच्चों को याद करने के लिए आपको टेन थीटा इक्वल टू, यहां से देखें इसको मैं अलग फिगर के रूप में यहां दे दिया, ये यहां वी वाई हो रहा है यहां वी एक्स हो रहा है, तो पैरलोग्राम मेथड से ये वी वाई यहां हो जाएगा ताकि वेक्टर ये प्लस वेक्टर ये इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर वी, इस टाइप से होता है तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी वाई अपान वी एक्स, वी वाई कितना है ये इतना है, तो ई ई अपान एम इंटू एक्स अपान वी नॉट अपान वी एक्स कितना है वी नॉट के बराबर है,
तो ये वी नॉट अपान एक कर दीजिए आप, एक एकदम ऊपर चला जाएगा, वी नॉट इसके साथ चलाएगा, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तो ई अपान एम इंटू एक्स अपान वी नॉट स्क्वायर, एक्स अपान इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। ये थीटा का डिफ्लेक्शन बच्चों आ गया, तो वाई एक्सिस में जो डिफ्लेक्शन आया वो हम ज्ञात किए, थीटा वाला जो डिफ्लेक्शन आया बच्चों वो हम ज्ञात किए। हाँ, तो ये फार्मूला बच्चों बता रहा है, आप लोग ये उतार लिए होंगे, हमें इसे साफ करना होगा। हाँ देखें, ये जो थीटा वाला ये देखें, तो इस फार्मूले से ये निकलेगा। अब यहां हमें y एक्सिस में जो डिफ्लेक्शन है, y एक्सिस में डिफ्लेक्शन वो किस पर निर्भर करेगा, एक बड़ा 1/2 ex, ये सब तो कांस्टेंट है। हाँ, v नॉट स्क्वायर है, तो v नॉट मतलब अगर स्पीड यहां जितनी ज्यादा रहेगी तो डिफ्लेक्शन कम होगा, v नॉट ज्यादा रहेगा डिफ्लेक्शन कम होगा। तो ध्यान दें, इसमें एक आया है e by m पर निर्भर करता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ये दर्शाता है, अगर निगेटिव चार्ज है तो प्लस की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर प्लस में चार्ज है तो वो माइनस की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक तो ये जानना चाहिए। और दूसरी जानकारी है ई बाई एम का मान जब ज्यादा रहेगा, चार्ज ज्यादा होना मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा होने के बराबर, तो ई बाई एम उसमें द्रव्यमान मास भी देखना है, अगर द्रव्यमान भी ज्यादा हो जाता है तो जाहिर डिफ्लेक्शन फिर कम हो जाएगा, क्योंकि ई बाई एम का मान ज्यादा होना चाहिए। तो यहां कहेंगे इफ स्पेसिफिक चार्ज को बच्चों ई बाई एम कहा जाता है, ई बाई एम कहें या स्पेसिफिक चार्ज, इफ स्पेसिफिक चार्ज इज ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन आल्सो ग्रेटर GREATER। मतलब ये मतलब हम विद्यार्थी कि ई बाई एम या स्पेसिफिक चार्ज या हिंदी में से कहते हैं विशिष्ट आवेश, अगर ई बाई एम का मान ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन का मान ज्यादा होगा, ये वाई एक्सिस का ये डिफ्लेक्ट ज्यादा होगी, इधर ज्यादा मुड़ेगी, अगर ई बाई एम का मान कम है तो डिफ्लेक्शन कम होगा, मतलब वाई जो है कम डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये दोनों डिफ्लेक्शन क्या आएगा, कम आएगा, तो ई बाई एम यहां आया बच्चों। तो हाँ, इतना आप उतारिए, तो हाँ बच्चों, तो आपको बताया गया है कि स्पेसिफिक चार्ज आर ई बाई एम का मान अगर ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ई भी और वाई वाला डिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये हो गया। और एक चीज यहां लिखा है द ट्रेजेक्टरी पाथ, जो निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे, द ट्रेजेक्टरी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैराबोला इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज होगा, प्लस माइनस कोई भी चार्ज होगा, दोनों दशाओं में इलेक्ट्रॉन हो या चाहे प्लस वाला कोई चार्ज हो, दोनों दशाओं में ये पथ जो है पैराबोला ही होगा। अगर न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भाग रहा है तो उसका पथ स्ट्रेट लाइन ही होगा, अगर वो सीधे जा रहा है, ध्यान दें। हाँ, ये कहना है, तो लेकिन ये शर्त है कि पैराबोला होगा, तो उसके लिए भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्रवेश हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है वर्टिकली डाउनवर्ड, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो इसीलिए कहा है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बच्चों इतना उतार लीजिए, अब इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, तो आज के कॉन्सेप्ट पे पहला सवाल जो कि नीट में आया है, मेडिकल में आया है ये, तो ए पेंडुलम ऑफ ए बॉब, ए पेंडुलम ऑफ ए बॉब ऑफ मास 30.7 × 10⁻⁶ kg एंड कैरिंग ए चार्ज 2 × 10⁻¹ कूलम इज एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20,000 वोल्ट पर मीटर, द टेंशन इन द थ्रेड
ऑफ द पेंडुलम इज, वो पेंडुलम में टेंशन पहुंच रहा है। तो बच्चों ध्यान दें, एक पेंडुलम हम लोग यहाँ फिगर बनाते हैं, फिर पेंडुलम देखा ये हो गया पेंडुलम हो गया आपका। तो पेंडुलम का जो होता है वेट mg, वो सब लोग जानते हैं नीचे की ओर कार्य करता है, सब लोग जानते हैं नीचे की ओर कार्य करता है। और ये कह रहा है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक f इक्वल टू qe इधर भी कार्य करता है f, अरे भाई यहाँ पे ये चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है तो इस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा, अगर ये प्लस में चार्ज है 2 × 10⁻⁸, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करेगा। और वेट जो हमेशा कार्य करता है वो पृथ्वी के सेंटर की ओर कार्य करता है, ये ऑलवेज है। और प्लस क्यू आवेश, अगर ये है आवेश का मान दिया है, वो क्या कार्य करेगा, इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो इन दोनों का परिणामी जो है इसका टेंशन फोर्स के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का परिणामी जो भी होगा वही टेंशन पर माना जाएगा, उसी कारण तनाव आ रहा है और कोई फोर्स मेरे पास नहीं है। तो अलग अलग फोर्स हम लोग निकालते हैं, पहले देखते हैं, चलिए mg निकालते हैं या Q इज इक्वल टू वैल्यू रखते हैं। Q कितना है, Q है हमारा 2 × 10⁻⁸, और E बच्चों हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड 20, ये वोल्ट पर मीटर। हाँ एक चीज और, आप वोल्ट पर मीटर यूनिट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जानते होंगे न्यूटन पर कूलम्ब, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में भी रिलेशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो ये आएगा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, आगे आएगा, आप परेशान ना हो, यूनिट को लेकर परेशान ना हो। तो इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो यहां रखा गया वोल्ट पर मीटर कहा गया, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, आप ध्यान दें। ओहो हाँ विद्यार्थी ध्यान दें, तो इसका चार जीरो इसके चार कम कर देगा, तो 2 × 4 4 × 10⁻⁴ आया, क्यूई इतना न्यूटन आया बच्चों, ये ध्यान दीजिए। अब mg भी ज्ञात कर लेते हैं कितना आया, यम है बच्चों यहां पर दिया है 30.7 × 10⁻⁶, और g का मान दिया है 9.8, ये देखे कितना आएगा। अगर 9.8 को बच्चों 10 मान लिया जाए, मतलब ज्यादा मान लिया जाए, तो ये 10 मानने पर ये हो जाएगा कितना, -5 हो जाएगा, -5 का एक ऋण और इसके साथ ले लें तो 3.07 × 10⁻⁴ आ रहा है, 3.07 पूरे 10⁻⁴ हो रहा है, जबकि हमने ज्यादा से गुणा किया और 9.8 से गुणा करेंगे तो आएगा 3.0087, इस टाइप से कुछ आता है। तो जाहिर है केवल 3 ही लेना चाहिए, क्योंकि 3 बार पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो आता है, तब जाके कहीं मिलता है कुछ, तो ये जो आएगा लगभग 3 × 10⁻⁴ न्यूटन ही आएगा। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर है, तो टेंशन फोर्स इन बॉब इज इक्वल टू, ये थ्रेड मतलब धागा है, कोई लटकाया गया है तो बॉब नहीं, वो थ्रेड में धागे में जो टेंशन है वो ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखा जाएगा, क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा। तो ये क्यू ई कितना है, 4 × 10⁻⁸ का स्क्वायर प्लस 3 × 10⁻⁴, 4 है बच्चों सॉरी, -4 का स्क्वायर, ये हुआ। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 × 10⁻⁸ प्लस 9 × 10⁻⁸, 16 और 9 25 × 10⁻⁸, ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये बच्चों ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ये नीट में आया क्वेश्चन है, तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज का अंतिम सवाल जो है, थ्योरी खत्म होने वाला है, देखें सवाल तो लंबा लिख रहा है लेकिन
उसमें कोई एकदम विशेष नहीं है। ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इन द मिल्कन ऑयल ड्रॉप, मिल्कन ऑयल ड्रॉप। तो इसमें आप ये केवल मान के चले, उसमें ज्यादा नहीं, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे कोई चार्ज समझ लीजिए क्यू है, तो क्यू है तो इसका वेट एम जी तो हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा, इसमें आशंका नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है, सॉरी अगर क्यू चार्ज है तो ये क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के क्या रहा होगा, बराबर यहां हम कहेंगे क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, यहां कहेंगे इक्विलिब्रियम। मतलब क्यू ई इक्वल टू एम जी है, ये प्रारंभिक कंडीशन है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज रिवर्स्ड। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कर दें, मतलब यहां वाला प्लस हो जाए यहां वाला निगेटिव, अगर आप नीचे प्लस कर दोगे ऊपर निगेटिव कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, तो जो क्यू ई फोर्स है वो नीचे की ओर लग जाएगा, तो नेट फोर्स तो टोटल नीचे की डायरेक्शन में ही कार्य करने लगेगा। तो नेट फोर्स इफ 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 द डायरेक्शन, इफ द डायरेक्शन ऑफ ई इज रिवर्स्ड देन अब क्या होगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स वो वर्टिकली डाउन की ओर कार्य करेगा, नेट फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई प्लस क्या हो जाएगा एम जी, और नेट फोर्स अब नीचे की ओर, अब जी तोड़ से तो एक्सीलरेशन से तो आएगा नहीं, अब दूसरा एक्सीलरेशन होगा, उस एक्सीलरेशन का मान है क्या एम ए, यही तो एक्सीलरेशन पूछ रहा है रिवर्स्ड, देन कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो जो चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करने पर उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो उसका एक्सीलरेशन बच्चों बढ़ जाएगा। तो भाई क्यू ई भी नीचे की ओर कार्य करता है, एम जी नीचे की ओर कार्य करता है, तो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू इतना आया, तो नेट फोर्स है बराबर एम ए, क्योंकि ये एक्सीलरेशन चाहिए, अब जी जी से नहीं आ रहा है नीचे। हाँ एक चीज और, इन इक्विलिब्रियम में हम पढ़ चुके हैं तो एम जी क्यू ई के क्या है बराबर, इसका मतलब क्यू ई के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एम जी प्लस एम जी, तो एम ए इक्वल टू आ जाएगा बच्चों टू एम जी, तो एम सी एम कैंसिल हो जाएगा, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू बच्चों टू जी हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन वाला सवाल होता तो आप जो है, हो सकता ऑप्शन में आया हो, ऑप्शन उस बुक में ना दिया हो, तो ए इक्वल टू टू जी पर आप लोग टिक लगाते। तो बच्चों आज हमें जितना कांसेप्ट पढ़ाना था हम पढ़ा चुके हैं, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।